नवाब साहब धोखा हो गया। कैसे? बकरी बता के कुतिया दे दी इसने। फिर पे तेरा शुभ चिंतक है। कैसे? अबे बावली पहुँचे। बकरिया कितने थनो? दो। और कुतिया कितने हो? आठ। तो आठ गुना दूध पी ना। पर नवाब साहब। चुप खामोश। अगर नवाब साहब के खिलाफ गए तो कत्लेआम कर दूंगा, कोड़े लगवा दूंगा। नवाब साहब जिंदाबाद। 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 अरे यू टाइम हुआ तेरा उठने का? पूरा गांव उठ गया, पूरा गांव उठ गया। तेरा छोटा भाई कद का खेत पे पहुंच गया, सगला काम कर लिया होगा उसने, पड़ा है यहाँ पे। सूरज दिख रहा कहाँ पहुंच गया? थोड़ा बहुत तो उससे सीख ले कुछ, बहुत छोटा है तेरे से वो। तो इसमें भी मेरी गलती है, छोटा उसे बड़ा कर लेता, उसे पहले पैदा कर लेता तो बड़ा हो जाता। वैसे भी नवाब साहब कहाँ काम करते हैं, और गद्दी बड़े पे होती है, काम छोटे ही करते हैं। तेरे नाना कौन सी गद्दी छोड़ के गए हैं? मेरा बाप तो नंग था। तो मेरा बाप भी तो नंग है। अरे तेरी ऐसी की तैसी, बढ़ जाइए आज तू घर में। इतना इतना सा ना काट दिया ना तो मेरा नाम भी, अरे क्या नाम था, नाम भी भूल गया, जीवन मेरा तो बर्बाद कर दिया इसने। ए भाई के दिक्कत है तेरा? की बात है? अरे तू ठावे मुंह को और तड़ की तरह ठाएगा फावड़ा, चल दे खेत में, और काम काम काम, और तेरे बापू की मुझे सुननी पड़े फिर। अरे बाप की तो सुननी पड़े, मैं तेरा बाप होता ना सुबह सुबह मारता तेरी राम प्यारी पे चाल लट। इसे जुबान को सुधार ले वरना हलक में हाथ देकर जुबान को बाहर कर दूंगा। अरे तू भाई है कसाई है? कदी ना खींचे मान जा, कड़ा तोड़ गेरूंगा मैं। ले आज मैं तोड़ मार मैं। अरे रहने दे, आज मंगलवार है, मैं मंगलवार को लड़ता ना हूं किसी से। हाँ ना तो कोमा से बाहर ना आता तू अब तक, ना तो आज हमें तू कोमा। अरे रहने दे, मैं अभी मुझे कुछ काम सा याद आ गया ना, तेरी सोल पड़ लेते मैं आज। अरे जा बकस दिया, मुझे कोई काम याद आ गया तुझे फिर बताऊंगा। ना तू अभी बता दे। अरे रहने दे, तू अभी बता दे। ना तू अभी बता, तू अभी बता, अभी बता तू। हो गया ठीक है, अभी ना हुआ आराम पड़ गया। अरे जा मेरा दस्त से लग रहे, पानी खत्म सा हो रहा, नहीं तो सोल बैठते तेरी। और सुन मैं अभी ठेके पे जा रहा हूँ और पानी पी कर रहा हूँ, फिर देखो। मान जा, सिमल जा, सिमल जा, लिकट जा, लिकट जा। खेत का काम करता ना, बकवाद बाजी करे पूरे दिन। अरे रहन दे। अरे यार दिमाग खराब है, एक बीड़ी पिला। कहती खुद भी रख लिया कर मंडल। अरे कहाँ से रख लूं जब बापू पैसे तो देता नहीं। तो काम है ला क्या कर, या फ्री की पिएगा सदा। तेरी बहन का तमंचा मारूं, कुंडी शकल के एडवाइजर मेरा वकील बन रहा, मुझे सलाह दे रहा। दे सलाह, दे सलाह, दे सलाह, दे ना सलाह। चलो सब साले, अब हमें तेरे जैसे की सुननी पड़ेगी। ना ना साले, तुम्हारे आगे तो अच्छे अच्छे बदमाश ना बोल ले। मेरे ससुरे ना बैठ साले, मारे आगे तो कोई नहीं बोल रहा, अब हमें तेरे जैसे की सुननी पड़ेगी। इतने बुरे दिन आ गए मेरे, माची दे। सपना भाई, मैंने बहुत अच्छा सपना देखा। सपना, अबे यार सपना कितना गजब था। बकवास ना करे, सब जानू मैं। हैं सपना, तू तो बहुत समझदार होगी। किसी दिन तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। अरे कब से यही तो चाह रहा हूँ मैं, पता नहीं कब आऊगा वो दिन। कभी आज ही ना आ जा। सपना मैं तेरे से बचपन से प्यार करूँ, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। उस्ताद तुम्हारे बचपन में तो उसके बाप का भी ब्याह ना होया। अरे मेरी सुसरी के, मैं अपने बचपन की ना इसके बचपन की बात कर रहा हूँ। देख तेरी गेल के होवेगा। अरे फेरे ना करवा दिए, अभी तो मैंने सेब भी ना बनाई है। ओ उस्ताद तेरा तो गिर रहा टाइम, और तू बिना प्रसाद मानने नहीं, मुझे ना चितना, मैं तो चला। अरे ओ नवाबों की गल रह गया, प्रांत भर जिगर चाहिए तेरे में तो इतना बिना। और सुन जिगर की बात कर रहा हूँ, जा मेरी सुसरी का। पिताजी क्या कर रहे हो? अरे भैया टाइम से काट रहा हूँ।
करो तुम टाइम से पास, मैं तुम्हारे खाना पानी से बना दूँ। अरे सब्जी तो मन ने बना दी, अब वो पहलवान आएगा रोटी वो बना लेगा। अजी हाँ, उसकी बनाई हुई रोटी खाओगे? ढाई सेर पी का आगा, वो अपना आप ही आ जाए यहाँ रोटी खाने। अजी रोटी ना बनाऊंगा, हाथ पैर तोड़ दूंगा उसके। अरे मैं तो नू कह रहा था सुबह से काम में लग रहा, तू थक गया होएगा, थोड़ा बहुत वो कर लेगा आके। कोई बात ना, इतना भी ना थका जो आपके लिए रोटी पानी ना बना सकूं। तुम्हारी सेवा के लिए तो मैंने जन्म लिया। ओए खाने में क्या क्या बना रखा? मटर पनीर या दाल फ्राई? ओ नवाब साहब, खाने में है जुत्ती और लठ, क्या खाएगा? बापू एक काम कर ले, जुत्ती दो कर ले फ्राई, और चार लठ पे करारे करके तेल लगा के ले आओ। अरे सवेरी खुराक का रामना पड़ा दिखा था ना? सवेरी सवेरी तो मैं बगैर नशे के था, जो पीट गया अब मैं नशे में हूँ। अब हाथ लगा के दिखाना, पैर दूंगा। ओ बापू तू दूर रहिए, तेरी अंगली वंगली टूट सके। मोनू दिन में कोई लड़ाई हुई थी तुम में? लड़ाई? खून खराब होने से बच गया, खून खराब होने से बच गया। देखिए ऐसा लठ मारूंगा, चुप खड़ा रह। मोनू तू बता क्या बात हुई? फालतू जाकर खेत में चोर चोर कर रहा, काम करना दे रहा तो धो दिया मैंने। अबे बापू तो मैं बाप बेटे को तमीज नहीं, नवाब साहब से कैसे बात करी जा? मैं बनम्बा तुझे नवाब। मोनू पकड़िए इसे, तू रस्सी ला, जल्दी ला, जल्दी रस्सी ला, जल्दी जागा। शेर पिंजरे में रुका है के? हैं रोक लोगे शेर को ना तो मैं बाहर बाहर गिर देगा एक भाई। मान जाओ छोड़ दो, आधा बन रहा है। अरे मका छोड़ दो, मान जाओ आधा बनेगा, मका आधा बन रहा है, छोड़ दो मका, छोड़ दो मका, फाड़ दूंगा, मान जाओ। अब बन दादा मका, मान जा। अरे बापू मैं नू कह रहा हूँ, मका मान जा बापू, तेरी अंगली उंगली टूट जाएगी, मका मान जा, मेरी बियर छोड़ दे। हाँ बियर छोड़ दे। बैठो पिताजी, मैं तुम्हारे खाना लिया। देख भाई इस गांव में दो कत्ल होने चल गई मेरे हाथ से, एक तो तेरा और एक बापू का। छोटू नहीं रामोनू, हाँ जी के मुंह में कपड़ा और ठूस दे। मका रहन दे, छोटू नहीं, छोटू नहीं, मैं छोड़ दे, मका छोड़ दे। अभी बियर याद आ रही है बंद के भी? बापू बापू मैं तुम्हारे खाना लिया हूं। इतने हाँ भाई चीते ठीक रहते अगर ना पीते, अब बंधे पड़े रहो यहाँ पे, आराम करो नवाब आराम करो। तड़की से कई बार खुराक मिली होगी ना बढ़िया करके, अब तो पूरा मजा आ रहा होगा, शरीर भी खुल गया। चुप रह बिल्कुल चुप। बापू एक बियर तो मंगा दे। अभी मंगाऊंगा, गर्मी हो रही है। हाँ अभी मंगा रही हूँ। आ जाओ भाई चौधरी आ जाओ, रोटी खा लो। बे करतार तुझे रोटी कैसे हजम हो जावे इतनी गंदी औलाद पैदा करके? चाचा के बकवास कर रहा तू? बकवास ना कर रहा मैं, तेरे भाई ने सपना की गैल बदतमीजी करी और मैं तो थाने जा रहा था, वो तो सपना ने रोक दिया कि हमारी इज्जत उछलेगी। हाँ भाई मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ, इसकी तरफ से मुझे माफ कर दो। इसकी माँ के गुजर जाने के बाद मैंने इसे लाड़ प्यार कुछ ज्यादा ही दे दिया, इसलिए बिगड़ गया ये, गलती मेरी रही है। ना ना अंकल जी, ऐसा कह के आप मुझे शर्मिंदा ना करो, गलती आपकी नहीं है, गलती इसकी सोच की है, वरना दूसरा लड़का भी तो आपका ही है। बापू ठीक कह रही है सपना, तुमने तो बहुत लाड़ प्यार से पाला, इसकी संगति गलत है, तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है? करतार अब की बार तो समझा लिए इसे, नहीं वरना तमीज हम सिखा देंगे इसे। हाँ हालाली साले, या तो तू मर जा या हमें मार दे। बापू इसका ब्याह क्यों ना कर देते हो, जिम्मेदारी आएगी तो खुद समझ जाएगा। जिम्मेदारी भी किसी लड़की का बाप उसको देता है जिसके कंधे पे बदनामी के दाग नहीं होते, और ये तो पूरा का पूरा बदनाम है। अरे ऐसा ना हो मेरे मरने के बाद सब ठीक हो, और मैं मर गया ना तो इसे कोई दो रोटी भी ना देने का।
बापू तुम परेशान ना हो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, यू भी समझ जाएगा और हमारा घर अच्छे से चलेगा। अरे पिताजी रोटी तो खा जाओ। अरे भैया मुझे ना खानी रोटी वोटी। सब कुछ इसने करवा रखा, ले तू खा, है ना? फल दे। खा ले। हाँ उसने पी पहले, पहले रोटी ना खाई जा रही, उसने धसकोट ले पहले। सारे रोटी भी थोड़ी छोड़ दी, खैर कोई बात नहीं। यार रोटी या घी तो ठीक लगा लग रहा हूँ, दारू पीऊँ मैं चिकनाई तो चाहिए ही। और सुनो यू तो मैं बंद रहा, नहीं तो आज चौधरी का तो मैं खून कर देता, जैसा आया ना यू शिकायत करने, इसको तो मैं धोती फाड़ता, फाड़ के चीथले चीथले कर देता और फिर पाड़ूंगा, जिस दिन मिल गया उस दिन पाड़ूंगा। दिल निकल गया, कोई सा नहीं जग रहा। दूध भी ना गड़ा। बापू तुझे भी इसका परछाया पड़ गया दिखे, अभी तक ना उठा, 8:30 बज रहे हैं और यू इसे के उठने का काम, इसका तो पीना पीना। अरे लोड़ जा क्यों दिमाग खराब कर रहा, तुम्हें काम धाम तो कुछ है नहीं, हमें तो उठ के अभी ठेके पे भी जाना। हाँ तुझे ही सारा काम है, सारी दुनिया की दारू तैने ही पीनी है। अरे लोड़ जा। ओ पिताजी उठ जाओ, ऐसे यू हो रहा है ऐसी तुम हो रहे हो। पिताजी के बनाऊ नाश्ते में? पिताजी अरे के बनाऊ? पिताजी दारू पी के सो गए के आज? पिताजी हमें अकेला छोड़ गए, क्यों सोचते थे आप इतना? भाई पिताजी नहीं रहे। पिताजी पिताजी मोनू अब तो कर ले फुप्पा से बात, और कितनी दूर रखेगा खुद से? अरे मैं कर तो लूंगा बात, और हमने शादी कर ली ना तो पहलवान का ब्याह नहीं होना। उसकी तो वैसे भी नहीं होनी, आधी जमीन बेच दी, दारू पिया है, कौन करेगा ऐसे इंसान से शादी? नू तो पता नहीं, पर मेरा दिल कहवे एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो देखती आ रही कब ठीक होगा। अरे तू नू मत करे कर, वो मेरा बड़ा भाई है, तू तो समझ उसके बिगर मैं कैसे शादी कर लूं, पहले बड़े की तो होगी। मेरे भोलू राम मुस्कुरा तो दो। और बस दिमाग खराब कर दे तू, तू इतनी अच्छी है खुद ही, तू समझे कर, मेरी मजबूरी है, मेरा बड़ा भाई है। मैं तो समझती आ रही कब तक और कितना समझूं? थोड़े दिन की और तसल्ली कर ले। भाई दारू कम पड़ेगी जो लिया। ओ उस्ताद कम न पड़ाई हूँ, अब तुझे ना पता। मेरी सुसरी के इसके चक्कर में हमारी धरती बिक गई, कई लाख रुपए कर्जा हो गया,
अगर मुझे अब इसका पता न लगेगा कम या ज्यादा का तो फिर कैसे लगेगा। दारू ले आयु कम पड़ेगी, जा चल। लावे शराब भी, पैसे ला मारे जो तने ले रखे हैं। बाप पीने के लायक तो पैसे हैं, मारे पैसे देने के लायक पैसे ना हैं। पहले हाथ उठा, पैसे दे फटाफट। ओवर एक्टिंग मत करा, पैसा निकाल ले जेब में से। अबे ये क्या है, बस क्या है, दो रुपए दे के मजाक उड़ा रहा हमारा, क्या करेंगे हम इसका। और एक काम करिए, हाँ जो बच जा तो बाल को लिए कुछ ले दिए, ऐस कर जा। ओ पप्पू, ओ क्या कर रहा है, पैसे ना दे रिया मेरे। अरे मैं दे दूंगा पैसे, इससे कुछ मत कह, मैं घर पहुँचा दूंगा, ठीक है ना। पक्का? हाँ पक्का, कल तक मिलने चाहिए। हाँ पप्पू मैं घर पहुँचा दूंगा। तेरी जिम्मेदारी है? हाँ मेरी जिम्मेदारी है। देख लिए भाई? हाँ हाँ ठीक है। अरे क्यों पीबे है इसने, क्यों नाश कर रहा तू? ऐसे ही पी रहा हूँ मैं। दुनिया भर से क्यों कर्जा ले रखा तेने? मैं न्यू ही पी रहा हूँ, न्यू ही कर्जा कर रहा हूँ, और की जब पैसे ना मिलते। मिलते ना मैं तो नूना देता, क्या करेगा, ओनली पीगा, यही तेरा काम है। पीने में बढ़ाई ना है, काम करने में बढ़ाई है, पूरे दिन पीता रहे। गांव में तेरी थूथू हो रही है, हैं? रे समझ जा, मान जा, कर्म करने से हो वे बड़ा, ये इसे पीने से ना होता बड़ा, सब दिन पी जावे। नाश कर रहे नाश, अरे देख ले दुनिया के कैसे कैसे भले भले काम हो रहे हैं, पर तू कर दे इसने पीपी के बर्बाद। चल घर उठ के, अरे सारे दिन पिए जावे पिए जावे, अपने घर रहकर ऐसे यू ऐसी तू। सरकारी नौकरी मिले इससे? अरे चले जा, जा। राम राम चौधरी साहब। राम राम साहब, राम राम। अरे कहाँ जा रहे हो भाई, बैठ लो। अरे अरे जा कहाँ रहे, वो मोनू और सपना के लिए रिश्ते की बात करने जा रहे। भाई लोन्ना तो बहुत बढ़िया है, बड़ा शरीफ है, सबकी इज्जत करा है गांव में, और खूब मेहनत करता है, परिश्रम करता है। अच्छा साहब, पर उसके घर में एक दाग है। दाग? हाँ। दाग कैसा जी, बताओ। उसका भाई जो है, अरे बहुत बड़ा दारूची है, दारू पीता है, शराब पीता, लेकिन वो सबका बहुत सम्मान करता है, दारू पीने वाले का उसका भी बहुत सम्मान करता। लोना बहुत बढ़िया है, देख लो तुम्हारी बात बन जावे तो। चलो देख लेते हैं फिर भी। हाँ देख लो, अगर बन जावे तो। चले जी। अजी भाई साहब, आपके शिकायत कर दी, आपके तो मन्ने कुछ कही भी ना, कई दिन तो से मिले हो गए, मन्ने नहीं छेड़ा आपका किसी को भी, बिल्कुल भी कुछ नहीं कही। मैं तो अपने घर से बाहर नहीं निकला, पता नहीं के गए हो जाए। राम राम जी। राम राम, राम, राम जी। बैठो मैं पानी लाता हूँ। ले ओ जी, मैं चाय बना लाता हूं। चाय रहने दो, तुम बैठो। मोनू ये सपना के पापा हैं। जी पहचान लिए। और हम चाहते हैं तुम्हारी और सपना की शादी कर दें, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो और तुम बहुत मेहनती लड़के। जी पर बड़ा भाई अभी कुआरा है। बाप को खाके भी ना समझा, ये जिंदगी में ना समझे, तू क्यों अपनी जिंदगी खराब करे, इसने सब कुछ बेच दिया, ये बेवड़ा है। जैसा भी है मेरा भाई है। देखो मोनू बेटा, अगर तुम्हें बड़े भाई की शादी की चिंता तो सपना को जाओ तुम भूल, ये तो सपना की जिद थी जो मैं तुम्हारे धोरे आ गया, नहीं तो मेरी भी कोई इच्छा ना थी शराबी खराबी में रिश्ता करने की। जी पर मोनू क्यों बेवकूफ बन रहा है, सपना का सोच और अपना सोच। आप इतना कह रहे हो तो मैं तैयार हूँ। देखो मेरी एक और शर्त है, शादी के बाद तुम्हें न्यारा रहना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बेटी शराबी के साथ ना रह पाएगी। कैसी बात कर रहे हो आप, भाई है मेरा, माता पिता हमारे हैं नहीं, शादी इसकी हुई नहीं तो कौन ख्याल रखेगा इसका, हम ही तो रखेंगे। देख भाई तू इसके साथ रह ले, मेरी लड़की को लड़कों की कोई कमी ना। हाँ आपको कमी नहीं है, पर मेरा तो एक ही भाई है ना, आप जा सकते हैं। चलो जी चलो, चलो।
साले आ मजी हैं। यार मोनू तन्ने सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए। और के करता? मेरी इतनी आदत खराब है जब भी। आदत तो तेरी पहले भी खराब ही, पिताजी ने छोड़ दिया। अरे तुझे नहीं खो सकता, पिताजी तो चले गए, तू मेरा बड़ा भाई है और बड़ा भाई बाप समान हो। यार मोनू मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरे लिए इतनी बात झेलनी पड़ रही है। मैं आज के बाद दारू छोड़ दूंगा, मैं इसके हाथ ही नहीं लगाने का। अच्छा मोनू तुझे लगे बापू की मैं ही खागा? ये तो दुनिया बोलन दे, पर तू इसने छोड़ दे इंसान बन जाएगा भाई। आज के बाद मोनू तुमने मुझे समझ क्या रखा है? सपना मेरी सुनो तो सही। तुम मेरी सुनो, अगर तुम इसे नहीं छोड़ सकते तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। शादी का कार्ड भेजूंगी, आ जाना, इन्हें भी लेके आना मुफ्त की दारू पीने के लिए। बाहर में जाओ तुम। अरे रुक तो जा सपना। अरे भाई छोड़, मुझे तेरी जरूरत है उसकी नहीं। बे मोनू आज के बाद दारू के हाथ ही लगाने का मैं, बंद। और सुन भाई, यू तेरा भाई आज के बाद दारू नहीं पिया, सुधर गया। और इसी लड़की के यहाँ रिश्ता मैं खुद लेके जाऊंगा और इसका रिश्ता लेके आऊंगा। भाई तैने ये छोड़ दी तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आज से दोनों भाई बहुत मेहनत करेंगे। बिल्कुल। और गांव में फिर दोबारा से नाम पैदा करेंगे। बिल्कुल करेंगे। आज बापू जहाँ भी हमें देख रहा होगा बहुत खुश होगा, उसकी आत्मा बहुत खुश होगी। होगी जो गलती होनी थी, अब हम दोबारा से नया जीवन शुरू करेंगे। ले भाई एक कैरा तो भर लिया और दूसरा कैरा भर रहा, और एक काम कर लिया, काज करेंगे नक्का काटिए तू भी। पूरा नवाब हो लिया तू यार। मैं ना तोड़ू एक फली भी, मैं ना करूँ एक काम, मैं तो मौज लूंगा। बड़े भाई का राज चल रहा, बड़ा भाई काम कर रहा, छोटा भाई तो मजे लेगा मजे। सही है तेरी भी, मौज आ रही है, तू तो नवाब हो लिया भाई। पर कोई बात नहीं, है तो मेरा छोटा भाई, मौज ले। पहलन भाई राम राम। राम राम जी, राम राम, आ जाओ। ब्याज किस्त में घर दिया आया था, अगले महीने मेरी बहन का ब्याह सा है तो थोड़ा किस्त लेट आएगी। अरे कोई बात नहीं, तेरी भाण मेरी भाण है, और फिर गांव की इज्जत है। कुछ पैसे ढेलने की जरूरत हो तो बेझिझक आके कह दिया, कोई दिक्कत ना, आ जाएंगे पैसे भी। अच्छा भाई राम राम। राम राम भाई, राम राम। देख ले जमाना बदलते देर नहीं लगती, आज तू कर्म करे सब तेरी इज्जत करे। ब्याज पे पैसे देवे, पैसे भी ना आते तो नु कह दे ठीक है। यार तू बहुत महान इंसान है, आज भी तो कार्य कर रहा है, जब तू पीवे क्या इज्जत ही तेरी। आज तेरी इज्जत गाम बस्ती तुझे कहवे आ रहा है। पहलवान यहाँ बैठ भाई, जब तुझे बैठाने से भी राजी ना है। आज मुझे भी गर्व हो मेरा बड़ा भाई, इतनी तगड़ी चीज है भाई। दिखे कोई पैसा मारता भी ना, देर सवेर सब दे ही दे बेचारे, किसी के काम आ जाए तो क्या दिक्कत आ रही है। ओहो मेरे बड़े भाई के ऐसे विचार। अरे भाई तो मैं तेरा ही हूँ बड़ा, वो तो होगी ही कोई बात पहले पूक चूक, वरना अब तो मौज है। तू कर ना बाबी, मैं अपने आप देखूंगा, मौज ले। ठीक है तो मैं नाका काटिया हूँ ना, फुल मौज ले। तू छोटा भाई है मेरा, तन्ने बहुत दुख देखे हैं, अब ऐस कर। अरे भाई गुड्डू कहाँ है? अरे लड्डू यहाँ कहाँ टिक है, वो शैतान इतना अपनी माँ की तरह। अच्छा क्या कह रहे हैं मुझे? मैं क्या कह रहा हूँ तुझे? अरे भाभी तुम्हें ना कह रहे, मैं तो अपनी वाली कह रहा हा। अच्छा क्या कह रहे, हम डाये ने? अरे देवी तुम तो, देवी तो महान देवी। हो महान, हम राक्षस हैं, हम ही राक्षस हैं। नवाबी एक ऐसा शब्द जिसके दिमाग में आते ही इंसान खुद को उच्च स्थान पे महसूस करने लगता है। क्या नवाबी दिखावे में है, जबरदस्ती की बनावट में है? मेरे ख्याल से नवाबी बस कर्मों में है। जो इंसान कर्मों से नवाब है वो सच में भी नवाब है। लोग उसकी इज्जत करते हैं, समाज उसकी वैल्यू समझता है, चार लोगों में उसकी बढ़ाई होती है। और जो इंसान सिर्फ दिखावे में नवाबी रखता है, सपनों में नवाबी रखता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। तो आप लोगों को भी अगर नवाबी करनी है तो कर्मों से करो।